सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो फिलहाल तो हम सब सोल वर्ल्ड और सोल स्टोन के बारे में जानते हैं, पर हम इस वीडियो में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे सोल वर्ल्ड और सोल स्टोन के बारे में। जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पता है तो बेशक आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थानोस ने चुटकी बजाई और आधा यूनिवर्स खत्म हो गया। इस यूनिवर्स के खत्म होने के साथ साथ वो लोग भी डिसइंटीग्रेट हो गए जिनको ये भी नहीं पता होगा कि थानोस है कौन। सो ये आधा यूनिवर्स जिस जगह पर गया है उसे सोल वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन अगर हम रूसो ब्रोस की बात माने तो जो भी डेथ इन्फिनिटी वार में हुई है वो सभी डेथ परमानेंट है, यानी कि वो सब परमानेंट मर चुके हैं और आने वाली एमसीयू की मूवी में हमें नहीं दिखेंगे। लेकिन हमें पता है कि कुछ सुपर हीरोज़ की सीक्वल मूवी आने वाली है, इसलिए वो कैसे मर सकते हैं। लेकिन एवेंजर्स 4 को सीक्रेट रखने के लिए हो सकता है कि रूसो ब्रोस ने ये बात कही हो। तो चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं सोल वर्ल्ड के बारे में। तो सोल वर्ल्ड यानी एक ऐसी दुनिया जो कि सोल स्टोन के अंदर है, और सिर्फ मरे हुए लोगों की सोल रहेगी। पर सोल वर्ल्ड में उन्हीं लोगों की आत्मा जाएगी जो कि सोल स्टोन का यूज़ करके मारे गए हो, जैसे लोकी और हेमडाल की आत्मा सोल वर्ल्ड में नहीं हो सकती है क्योंकि थानोस उन्हें फिजिकली टच करके मारता है बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ किए। और अगर हम बात करें गमोरा की तो वो भी सोल वर्ल्ड में ही होगी क्योंकि थानोस उसे ही सेक्रीफाई करता है सोल स्टोन लेने के लिए। अगर कोई भी सोल स्टोन के अलावा बाकी के 5 इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करना चाहे तो वो फिजिकली फाइट करके या किसी से छीन कर भी ले सकता है, जैसा कि हमारे लोकी ने किया था द एवेंजर्स मूवी में स्पेस स्टोन लेने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें सोल स्टोन की तो उसके केस में बिल्कुल ही अलग है, यानी कि जैसे कि रेड स्कल ने हमें बताया कि सोल स्टोन को लेने के लिए जो भी उसे लेना चाहे उसे अपनी किसी खास चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी, एंड वो चीज़ कोई लिविंग बींग होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी आत्मा होनी चाहिए। सोल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता है सिवाय वॉर्मीर के, क्योंकि गमोरा थानोस को सोल जेम लेने के लिए वॉर्मीर पर ही लेकर जाती है, जहां हमने देखा सोल स्टोन किसी भी फॉर्म में नहीं था जैसे कि बाकी के स्टोन्स थे। और जैसे ही थानोस गमोरा को सेक्रीफाई करता है उसके हाथ में अपने आप सोल जेम आ जाता है। एंड शायद अगर किसी को सोल स्टोन लेना है यानी हमारे एवेंजर्स को, तो उन्हें भी वॉर्मीर पर ही जाना होगा और वहाँ पर जाके अपने आप को सेक्रीफाई करना होगा, तभी उन्हें सोल स्टोन मिलेगा। क्योंकि वॉर्मीर ही एक ऐसी जगह है जो किसी तरह से सोल वर्ल्ड और सोल स्टोन से कनेक्टेड है, क्योंकि जिस तरह से हमने वॉर्मीर पर एक ऑरेंज कलर को देखा था जिसे देखकर रेड स्कल ने थानोस को कहा था कि यही है जो तुम चाहते हो, और इसलिए हम कह सकते हैं कि सोल स्टोन और सोल वर्ल्ड वॉर्मीर पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है। और हमारे सुपर हीरोज़ को सोल स्टोन लेने के लिए वॉर्मीर पर ही जाना होगा, और फिलहाल वॉर्मीर के बारे में सिर्फ नेबुला ही जानती है। और हाल ही में हुए एवेंजर्स 4 के लीक में यही बताया गया है कि एवेंजर्स 4 में सोल स्टोन नेबुला ही लाएगी, तो हो सकता है कि ये बात सही भी हो। और टाइटन ग्रह पर नेबुला के साथ में टोनी स्टार्क भी है, तो हो सकता है कि टोनी भी नेबुला के साथ में सोल स्टोन लेने के लिए वॉर्मीर पर जाएंगे, जहां पर वो अपने आप को सेक्रीफाई कर देंगे। लेकिन गाइस, एवेंजर्स 4 एक अकाल्पनिक मूवी है जिसे कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ थ्योरी जरूर बना सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मिलते रहेंगे मार्वल के और इंटरेस्टिंग वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।